साल 2020 देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं था। कोरोना महामारी ने कई देशों को तोड़कर रख दिया। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था डूब गई तो कुछ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अपने देश की बात करें तो यहाँ भी कई ऐसे व्यवसाय बंद हो गए जिन्हें हम अपने जन्म से जानते थे। छोटे मोटे व्यवसाय से इतर भारत सरकार को भी कई कंपनियों को बंद करने का कठोर फैसला लेना पड़ा। मोदी सरकार ने हाल के दिनों में कई घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों को बंद करने का फैसला लिया है। इनमें से कुछ कंपनियां कुछ साल पहले तक अपने क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध थीं, लेकिन अब उन पर ताले लटके हुए हैं। इन कंपनियों को बंद करने के पीछे सरकार का उद्देश्य विनिवेश के मोर्चे पर आगे बढ़ना है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 2,10,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि विनिवेश से जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार पब्लिक सेक्टर कंपनियों के विनिवेश के जरिए 1,20,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। वहीं वित्तीय संस्थाओं की हिस्सेदारी की बिक्री के जरिए अन्य 90,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं उन कंपनियों के बारे में जिसे इस साल बंद कर दिया गया। हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड। हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के तहत आने वाली सरकारी कंपनी है। घाटे में चल रही इस कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों को स्वैच्छिक पृथककरण और सेवानिवृत्ति योजना के तहत उचित हर्जाना दिया जाएगा। इसके लिए सरकार कंपनी को बिना किसी ब्याज के 77,20,000 करोड़ रुपए देगी। इसकी भरपाई कंपनी की जमीन और संपत्ति बेचकर प्राप्त धन से की जाएगी। स्कूटर्स इंडिया। देश को लम्ब्रेटा, विजय डिलक्स और विजय सुपर जैसे स्कूटर देने वाले स्कूटर इंडिया लिमिटेड को केंद्र सरकार ने बंद करने का ऐलान किया है। आखिरी बार 1980 में स्कूटर इंडिया ने बाजार में लम्ब्रेटा लॉन्च किया था। इस कंपनी के सभी प्लांट बंद हैं। भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड भारत सरकार की एक लघु रत्न कंपनी है। यह रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और उच्च दाब के सीवनहीन यानी सीमलेस गैस सिलेंडर बनाती थी। इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। हिंदुस्तान प्रीफैब। हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड यानी HPL भारत के सबसे पुराने CPSE में से एक है। HPL को 1948 में एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान पाकिस्तान से पलायन कर रहे लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। बाद में HPL को 1953 में हिंदुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री लिमिटेड के नाम से एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। 9 मार्च 1978 को कंपनी का नाम बदलकर हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड रख दिया गया था। हिंदुस्तान न्यूज़प्रिंट लिमिटेड। हिंदुस्तान न्यूज़प्रिंट को केरल के वेल्लूर में 7 जून 1983 को हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। साल 1998 में HNL आकर्षक ISO 9002 प्रमाणन प्राप्त करने वाली देश की प्रथम न्यूज़प्रिंट निर्माता बनी। अब कंपनी पर ताला लटका हुआ है। कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। सन 1984 में एक मामूली शुरुआत से कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड विभिन्न जीवन रक्षक और आवश्यक दवाओं के निर्माण और विपणन के क्षेत्रों में मजबूती के साथ कदम रखी थी। ISO मान्यता के साथ KPL को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गुणवत्ता और सेवाओं के लिए अपनी कुल प्रतिबद्धता के लिए पहचाना जाता था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।